नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं दिव्या आपका स्वागत करती हूँ। अब देखिए, केजरीवाल ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है और उनकी जो इस्तीफा की मंजूरी भी मिल गई है। अब तीसरी बार महिला मुख्यमंत्री जो आतिशी है, लगता है कि वो संभालेगी इस गद्दी को, सही तरीके से सत्ता का विकास होगा और देश का विकास होगा। विधायक कौन है? गिरीश सोनी। काम करते हैं सही, उनके हाथ में जितना है उतना काम करती है। जीतने के बाद ना विधायक और कार्यकर्ता नहीं लगाते हैं, काम क्यों नहीं करते? यहाँ कार्यकर्ता भी काम करते हैं। आखिर विधायक कौन अभी यहाँ का? गिरीश सोनी। कुछ काम करते हैं? देखो जी, गिरीश सोनी एक बड़े ही ये भी ईमानदार है, काम करता है। तीसरी बार ना महिला मुख्यमंत्री बन रही है, क्या लगता है? महिलाओं के लिए द्वार खुल रहे राजनीति? हाँ, महिला मुख्यमंत्री बन रही है तो अच्छी बात है, बुरी क्या बात है, अच्छी बात। अच्छा, केजरीवाल सरकार ने कुछ काम किया? बहुत काम किया उन्होंने तो, केजरीवाल ने तो। क्या काम किया? अभी महिला क्लिनिक उन्होंने तो खोली है कोने पे हमारे टैगोर गार्डन में। उन्होंने बहुत काम अच्छा, स्कूलों के लिए, लड़कियों के लिए, सब काम बढ़िया ही करे उन्होंने। अच्छा, जब केजरीवाल जेल में थे तो जब बाहर आए तो उन्होंने बोला कि जेल की सलाखें मुझे कमज़ोर नहीं करती। क्यों नहीं? उनका हौसला बुलंद था। क्यों? क्योंकि वो उनको पता था भाई कोई गलत काम है ही नहीं है, गलत किया नहीं, तो इसलिए उनका हौसला बुलंद था। अच्छा, दिल्ली में तीसरी बार महिला मुख्यमंत्री बन रही है। जो पहले थी सुषमा स्वराज वो भाजपा की थी, फिर आई शीला दीक्षित वो कांग्रेस की थी, अब आ गई है आतिशी जो आपकी है। क्या लगता है महिलाओं के लिए राजनीतिक जगत में भी द्वार खुल रहे हैं? खुल तो रहे हैं, आज लेडीज ही आ गए हैं आज के डेट में। तीसरे बातें वो ज़्यादा दिखावा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक हो या इनके मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो गरीबों के साथ है। नाम बताइए। हमारा नाम है रवि कुमार। क्या लगता है दिल्ली की सत्ता में भाजपा को बहुमत मिलेगी या आप सरकार? देखो जी, अगर मैं और अपने जैसे और भी लोगों की अगर बात करूं तो भाजपा का तो बिल्कुल हम इग्नोर करते। अगर मैं ये बोलूं कि हमारे केजरीवाल अच्छा है तो बाकी में हमारे लिए अच्छा है। वो इसलिए अच्छा है, यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो अभी से 3-4 साल पहले बीजेपी गवर्नमेंट्स ने जो है विधायक के पास में लेटर लिख के दे दिया कि जो जो अनथराइज कॉलोनी है उसको तोड़ो। जैसे कि ये दुकान आगे बढ़ा है उधर से वो भी बढ़ा है, उसके विधायक के पास में लेटर आ रखा है 4-5 साल पहले कि इसको तोड़ दो। हमारे विधायक ने, आम आदमी पार्टी के विधायक, उसने सोचा भाई गरीब आदमी है, अगर मैं तोड़ दूंगा तो सारे दुकान अनथराइज है तो ये लोग कहाँ से रहेगा ये, तो हमारे बारे में उसने सोचा। लेकिन हमारा बीजेपी का प्रधानमंत्री हो, बीजेपी का कोई भी नेता हो, वो ऐसा नहीं सोचता, वो हमेशा अमीरों का पक्ष में जाता है। आपने भी सुने जो बात मैं बोल रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, हर किसी को पता है। दूसरी बात है, आज तक हम सारे लोग चिल्लाते रहे कि हमारे बच्चों के लिए सोचो, पढ़ाई के लिए, हमारे बच्चों को जो है ना रोज़गार के लिए सोचो, महंगाई के लिए सोचो, कभी उसने कुछ सोचा? कुछ लोग क्या होता है, टीवी में न्यूज में देख ले तो वो बातें दोहराता। मैं वो बातें बोलता हूँ जो हम लोग के साथ होना चाहिए और जो हो रहा। क्या उसने कभी रोज़गार की, कभी पढ़ाई लिखाई की, गरीब के बच्चे जो आगे बढ़े या शिक्षा के तौर से वो आगे चल करके जो कल अफसर बने, इस तरह की बातें नहीं करना चाहता। सीधा उनके दिमाग में ये चल रहा कि अगर इसके बच्चे अगर पढ़ाई कर लिया तो हमारे बराबरी हो जाएगा, कल इलेक्शन लड़ जाएगा। इसलिए जो है ना शिक्षा की, रोज़गार की, गरीबी की, बेरोजगार की बातें कभी नहीं करता, जो कि हमारे लिए वो गलत है। हमारे ये केजरीवाल जी हैं, कुछ दिन पहले जो है ना ये बुज़ुर्गों की यात्रा के लिए, जैसे कि हम गरीब आदमी हैं, अगर माँ बाप हमारा है तो 10-20 हज़ार रुपये जेब में लेकर के हम ट्रेन से या कहीं हम इधर उधर घुमा नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास उतनी कमाई नहीं है। केजरीवाल जी ने ऐसा किया था, उसको केंद्र ने बंद कर दिया, ऐसे ऐसे केंद्र सरकार ने कई चीज़ों को बंद कर दिया। अभी जो फिलहाल जो कुछ साल से कुछ महीने से केजरीवाल को जो है अरेस्ट करके बंद कर रखा था, उसमें क्या आया वो आपने भी न्यूज़ देखे, मैं भी देखा, पूरे देश देखा। दारू की एक जो है, एक तो अब फंसाया गया दारू के नाम पे, किसने दारू का घोटाला किया? अगर घोटाला किया तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोला? ना तो हमने केजरीवाल से मिला, ना तो हमने मोदी से मिला, वो हमें नहीं बताया, न्यूज़ हमने देखा। न्यूज़ में बोलता है कि ये तो ये बहाना था, दरअसल इसको अंदर करना था, किसी तरह इसको कमज़ोर करो। तो ये सारे बातें लेकर के, ये सीधी सी बात है, एक ईमानदार, एक अच्छे आदमी को किसी भी हाल में ये परेशान कर रहा। अच्छा, इसी बात पे जब केजरीवाल बाहर आए तो उन्होंने बोला कि जेल की सलाखें मुझे कमज़ोर नहीं कर पाई। वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि दिल्ली की जनता उसके साथ है। जब उसने ये पूछा कि मैं
जेल के अंदर रह करके चुनाव लड़ सकता हूँ? तो पब्लिक ने बोला हाँ बिल्कुल अब लड़ सकते हैं। तो इस्तीफा क्यों दिया हमने? इस्तीफा देने का वजह ये था कि बाहर रह करके उसको और परेशान किया जाएगा, उसको और परेशान करेगा, क्योंकि इतने दिन जेल में अगर मान लीजिए नॉर्मल क्लास का व्यक्ति अगर रहेगा तो मनोबल उनकी बिल्कुल बेकार हो जाएगा, अंदर से वो बीमारी ग्रस्त हो जाएगा, और वैसे भी शुगर का पेशेंट था। अब इसमें वो शक्तियाँ है या नहीं है आगे कुछ करने की, लेकिन बात यह है इस्तीफा देने का मतलब इसका ये था कि इस्तीफा दे करके फरवरी में चुनाव हो, फिर मैं दोबारा पब्लिक को मैं देखूंगा क्या पब्लिक हमें चाहती है नहीं चाहती है, क्या दोबारा सर्टिफिकेट है ईमानदारी का वो चाहती है कि जनता उनको दे। बिल्कुल, हमेशा उसने यही बात किया कि पब्लिक के साथ मैं हूँ, हमारा मालिक पब्लिक है, मैं उसका मालिक नहीं हूँ। जिस तरह बीजेपी कहता है कि मालिक मैं हूँ, मालिक वो किस बात का? अगर मान लो आपने हमें वोट दिए तो आपके वोट के बदले मैं हूँ ना, तो हमारा मालिक तो आप नहीं है। तो ये देखना चाह रहा कि पब्लिक अगर हमारे साथ है तो आने वाले फरवरी अगले साल में चुनाव होगा, अगर पब्लिक ने हमें चुना तो दोबारा से फिर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और बीजेपी को फिर ये दिखाना चाहता है भैया तूने तो हमें परेशान किया, जेल में डाल दिया, हमारे पर आरोप लगाया मैं गलत हूँ, मैं ये आतंकवादी हूँ, बहुत सारा की चीज़ें वो दिखाना चाह रहा, अगर मैं गलत हूँ तो ये दिल्ली वाले फिर हमें सपोर्ट क्यों किया, फिर दोबारा से हमें क्यों चुना, ये दिखाना चाह रहा। अच्छा, तीसरी बार महिला मुख्यमंत्री बन रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, तीसरी बार जो महिला ये तीसरी बार कहाँ बन रही है, तीसरी बार महिला, पहले जो है सुषमा स्वराज थी, फिर शीला दीक्षित, अब आतिशी बन गई है, तो क्या लगता है महिलाओं के लिए राजनीतिक जगत में भी द्वार खुल रहे हैं? बिल्कुल जी, महिलाओं का ये होने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, आज भी ऐसा नहीं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, हमें देश में लग रहा, आज तो बड़े बड़े जो है ना शहरों में ऐसा हो चुका कि हमारी बहन, हमारी माताएं, हमारी जो है ना बेटी जैसा जो है ना वो लोग आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ जगह आज भी ऐसा है कि महिलाओं को उस नज़र से नहीं देखा जाता है, गांव देहात में खासकर। ऐसा भी घर परिवार हमने गांव में भी देखा हूँ कि अपनी बेटियाँ जब बड़ी होने लगी तो कहता कॉलेज तो दूर है भाई, मैं वहाँ पर कैसे भेजूँ, अकेले कैसे जाएगी, कई तरह की अंदरूनी बहुत सारी बातें हैं, इस तरह की माहौल है ना, तो वो सोचता कि ना अब बड़ी होगी, इसको ज़्यादा हमने नहीं पढ़ाई भेजना है, इनकी शादी करो। तो कई जगह ऐसा भी आज भी कुछ अर्थव्यवस्था है, वहाँ की कमजोरियाँ है कि आस पड़ोस के लड़के या जेंट्स लोग उनको कुछ और नज़र से देखता है, इस वजह से जो गरीब लोग अपने बेटियों को चाहता है ज़्यादा, जो हमने नहीं पढ़ाना है, दूर जाना है, इसको कैसे आएगी कैसे आएगी, कल किसी तरह कोई बात हो गया तो मैं मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, तो कई गाँव देहात में आज भी बच्चों को ज़्यादा नहीं पढ़ाता है। अच्छा, दूसरा ये महिलाओं को लाने का मतलब ये है कि जैसे आप हो, ये महिला अगर मान लो पॉलिटिक्स में आकर के आज जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे इसको बैठा दिया, तो उससे महिलाओं को थोड़ा सा जो है ना अपनी मनोबल शक्ति बढ़ेगी कि हमने भी पढ़ाई करके हमने भी पॉलिटिक्स में जाना है, जिस तरह आतिशी ने आज जो है मुख्यमंत्री बनी, कल मैं कोई मुख्यमंत्री ना बनकर मैं विधायक बन सकूं, निगम पार्षद बन सकूं, इस तरह का देखो महिलाओं की तरफ से इसका बढ़ावा ही अच्छी बातें हैं। आखिर विधायक कौन है अभी यहाँ का? गिरीश सोनी। कुछ काम करते हैं? देखो जी, गिरीश सोनी एक बड़े ही ये भी ईमानदार हैं, काम करता है, लेकिन क्या है वही वाली बातें हैं कि बीजेपी इसको करने नहीं देता, हाँ हर जगह इसको परेशान करता है। अब अभी मैं बात बताऊं, यहीं पास में कूड़ेदान था, जबकि ये देखो आप तो दिल्ली में जो है ना निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का है, तो यहाँ फिलहाल आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद नहीं है, बीजेपी का है, उसने कूड़ेदान में हमें लगता है कि शायद कभी अगर निकले होंगे तो पूरे रोड पर फैला था, वहाँ से हमें लगता है 100 मीटर दूरी में बिना नाक बंद किए वो आप जा नहीं सकते थे, पूरे फैला रहता था बरसों से, लेकिन उसने काम नहीं किया। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब शोर शराबा किया तो उसके बाद उसने क्या किया, वो सब सारा कूड़ा वहाँ से हटा करके कूड़ेदान बंद कर दिया, अब पूरा बंद कर दिया। ये है जे कॉलोनी, यहाँ के लोग कूड़ा कहाँ फेंके, गाड़ियाँ वक्त पर आता नहीं है, कहाँ फेंकेगा वो, क्या करता अंधेरे में आकर के हमारा जो दुकान है बगल में कूड़ा वहाँ रख देगा, आप अपने घर का कूड़ा हमारे सामने रख दिया, आप अपनी परेशानी से बच गए, मैं तो परेशान हो गया, अब आपकी कोई ऑप्शन नहीं है, कहाँ फेंकोगे, गाड़ियाँ आती नहीं वक्त पे, कूड़ेदान बंद करते कहाँ जा फेंकने के लिए। उसने ये नहीं सोचा अगर कूड़ेदान मैं बंद कर देता हूँ तो यहाँ के लोग जे कॉलोनी में रहने वाले सिंपल गरीब लोग ही कूड़ा कहाँ फेंकेगा, उसने बंद कर दिया। बड़ी सी अपना बोर्ड, काफ़ी बड़ी सी, ये मकान से लंबाई इतना बराबर तीन चौड़ाई बोर्ड वहाँ पर लगा दिया, हमने कूड़ा साफ़ करवाया, मतलब पॉलिटिक्स की राजनीति हो रही है ना, उसने ये नहीं सोचा कूड़ा ये कहाँ पे गए ये लोगों ने, अगर यहाँ का कूड़ादान हमने बंद करवाया तो कहीं आउटसाइड में कहीं बनवाओ, बस सब जगह पॉलिटिक्स कि हमने कूड़ा साफ करवा दिया और कूड़ा अब कहाँ फेंके, ये अपने घर में रखेगा नहीं, और उस पड़ोस में कहीं ऐसा गड्ढा गुड्ढा कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ पे फेंके, कहाँ फेंकेगा। तो ये सब बातें वो ज़्यादा दिखावा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक हो या इनके मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो गरीबों के साथ है,
जिस तरह आज बिजली में सब्सिडी मिली, पानी में मिली, ये केवल आम आदमी पार्टी को नहीं मिली, इसमें कांग्रेस भी है, आप भी हैं, हम भी हैं और बीजेपी का भी है, ये सबके लिए किया। उसने कुछ काम करता है जिसको कि अकेले अपने लिए। अब जैसे मान लो कई बहुत सारी बातें हैं, जैसे केजरीवाल ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि हमारे प्रधानमंत्री जी चार क्लास पास हैं, चौथी पास है ना। उसने इस मामले में कभी कुछ नहीं बोला, कभी उसने बोला मैं बीए हूँ, कभी बोला एमबीए हूँ, कभी मास्टर की डिग्री बताया, लेकिन जब इसने बोला कि मैं अपना जो है ना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मैं ऑनलाइन में कर रहा हूँ, आप भी करो, कभी नहीं किया। तो इसमें सीधी सी बात यह है, उनमें कमी है तभी नहीं किया कभी। दूसरी बातें, कभी कभी बातें ऐसा भी करता है कि उनको उनको क्या, हर किसी को लगता है कि पढ़े लिखे की लैंग्वेज तो है नहीं, पढ़े लिखे की बात तो है नहीं, ऐसी बातें ऐसे कैसे कर रहा। तो ये भी समझना हो तो चलो, बुजुर्ग हो गया, इतनी सारी टेंशन है, पूरे देश की जिम्मेदारियाँ हो जाता है। लेकिन सीधी बात यह है, दिल्ली के लिए केजरीवाल सबसे एक नंबर पे है और हम लोगों को केजरीवाल ही चाहिए। आने वाले दिनों में ही मैं हम लोग केजरीवाल को ही सपोर्ट करूँगा और करते आया हूँ। आपको क्या लगता है दिल्ली में कौन आएगा? केजरीवाल। जनता साथ देगी? देगी। जनता मोहर लगाएगी कि वो ईमानदार है? हाँ जी, ईमानदार है। क्यों, जेल से बाहर आए हो तो? जेल से बाहर आए उसे थोड़ी ही मतलब बनता है, इन्होंने पब्लिक ने इनसे बेनिफिट लिया, पानी का लिया, बिजली का लिया, और शिक्षा में बच्चों का मिला। अब थोड़ा सा ये रोजगार के बारे में उसके थोड़ा और ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, केजरीवाल सरकार से दिल्ली में और क्या बदलाव चाहते हैं? आने वाले टाइम में बहुत सी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जैसे पार्क है उनकी देखभाल होनी चाहिए, वहाँ पर गार्ड बैठना चाहिए, यहाँ योगा होना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को दिखाना चाहिए कि योगा के लिए पार्कों में दिखा दें। मुरली मनोहर जी, क्या लगता है दिल्ली में कौन आएगा, भाजपा से कोई आएगा या फिर आप सरकार से? देखो जी, केजरीवाल का कोई पता नहीं, यहाँ तो नहीं, केजरीवाल का तो नहीं पता, बाकी और जो उनके अतिशी है जो शायद उसका लगता आएंगे वो, ऐसा लग रहा है। अच्छा, जो केजरीवाल ने जो इस्तीफा दिया था उसको द्रौपदी मुर्मू ने एक्सेप्ट कर लिया उसको, हाँ। तो क्या लगता है आतिश संभाल पाएंगे दिल्ली को? हो सकता है संभाल, हो सकता है, हो सकता है, तो पीछे केजरीवाल का हाथ तो रहेगा ही ना, जो कमी होगी वो पूरे कर देगी और अच्छा करेगी वो। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि जब तक जनता मेरे को जो है सर्टिफिकेट नहीं देगी सच्चाई का, तब तक मैं गद्दे नहीं संभालूंगा। ये तो आगे का मुझे नहीं पता कुछ भी, सॉरी। अच्छा, तीसरी बार ना महिला मुख्यमंत्री बन रही है, क्या लगता है महिलाओं के लिए द्वार खुल रहे हैं राजनीति जगत? हाँ हाँ, महिला मुख्यमंत्री बन रही है तो अच्छी बात है, बुरी क्या बात है? अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है भाई, मुख्यमंत्री बन रही है, उसमें महिला, देखो राष्ट्रपति भी तो महिला ही है, तो उसमें क्या हुआ, कोई भी काम कर सकता है, काम करने के अंदर गश्त होना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल सरकार ने कुछ काम किया? बहुत काम किया उन्होंने तो, केजरीवाल ने तो। क्या काम कर? अभी महिला क्लिनिक उन्होंने तो खोली है कोने पे हमारे टैगोर गार्डन में, उन्होंने बहुत काम अच्छा स्कूलों के लिए, लड़कियों के लिए, सब काम बढ़िया ही करे उन्होंने, ना बढ़िया ही करे हैं। अच्छा, तीसरी बार महिला मुख्यमंत्री बन रही है, क्या कहना चाहिए? वो अतीश, हाँ, बहुत बढ़िया लेडीज़ बननी, तो लेडीज़ की ध्यान तो देगी, सुनवाई देनी लेडीज़ की, मेन हमें लड़कियों के लिए देने, जिसमें कहते हैं लड़कियां बचाओ, क्या बचा रहे हैं, उतना दुगना कांड हो रहा है, उसके लिए ध्यान देना, हमें लड़कियों के लिए ध्यान देना है। अच्छा, जब आतिशी जो है अपनी वो संभालेंगे, आज आज सतह संभालेंगे, संभालेंगे वो लेंगे, आज शपथ लेंगे, शपथ लेंगे ग्रहण ना, आज लेंगे शपथ ग्रहण, उन सब बहुत खुश हैं, आएंगी तो वो सोचेंगी भी, भरोसा है, हम पूरा भरोसा है लेडीज को, लेडीज थोड़ा ध्यान भी देती है, ध्यान देगी और क्या। अच्छा, जब केजरीवाल जेल में थे तो जब बाहर आए तो उन्होंने बोला कि जेल की सलाखें मुझे कमज़ोर नहीं कर पाई, क्यों नहीं, उनका हौसला बुलंद था, क्यों, क्योंकि वो उनको पता था भाई कोई गलत काम है ही नहीं है, गलत किया नहीं, तो इसलिए उनका हौसला बुलंद था। जनता की नज़रों में केजरीवाल की इमेज कैसी है? जेल से होकर आए हैं, जेल जनता के लिए कुछ भी है, जनता के लिए भी बढ़िया सोच रही है जनता, अब वो करेंगे तो देखना। अच्छा, एक और सवाल, जब केजरीवाल अभी अपनी रैली कर रहे हैं पब्लिक के बीच में, तो वो कह रहे हैं हरियाणा में कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं, जमुना नगर में, हाँ, जमुना नगर, हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जब तक जनता मुझे एक सर्टिफिकेट नहीं देगी सच्चाई का कि मैं ईमानदार हूँ, सच्चा हूँ, तब तक मैं दोबारा सत्ता नहीं संभालूंगा। नहीं संभालेंगे वो, वो जनता को दिखा रहे हैं ना भाई, भाई लोग जो मुझे बुरा बनाया उसको सच्चाई साबित करेंगे वो अपनी,
जनता साथ है उनके? हाँ जनता साथ है, पूरी पूरी साथ है जनता। शुक्रिया आंटी। अच्छा दिल्ली में तीसरी बार महिला मुख्यमंत्री बन रही है, जो पहले थी सुषमा स्वराज वो भाजपा की थी, फिर आई शीला दीक्षित वो कांग्रेस की थी, अब आ गई है आतिशी जो आपकी है, क्या लगता है महिलाओं के लिए राजनीतिक जगत में भी द्वार खुल रहे हैं? खुल तो रहे हैं, आज लेडीज ही आ गए हैं आज के डेट में, जेंट्स से ज़्यादा लेडीज आ गए हैं। विधायक कौन है आपके? गिरीश सोनी। काम करते हैं सही, उनके हाथ में जितना है उतना काम करती हैं, जितना है उनके हाथ में काम करती हैं वो, है ना, जो नहीं है नहीं करती हैं, सही आदमी हैं, सीधे सादे हैं। हाँ। है अच्छा, ऐसा कि जीतने के बाद ना विधायक और कार्यकर्ता नहीं लगाते हैं? कौन काम क्यों नहीं करते? यहाँ कार्यकर्ता भी काम करते हैं, यहाँ कार्यकर्ता भी काम करती हैं, विधायक भी काम करता है ना, काम नहीं करेंगे तो कैसे तीसरी बार बने मुख्यमंत्री, वो तीसरी बार बने विधायक, काम करेंगे तभी पब्लिक देखती है, बगैर काम करने वाले को दे देगी? बीजेपी ने काम नहीं कराया कितनी बार, हर बार हारी है यहाँ से बीजेपी, तो कभी जीती है यहाँ से, जो काम करने वाला ही जीतता है।